गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग सभी को, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सभी को। ठीक है, तो कल का लास्ट, कल के क्लास में लास्ट का टॉपिक क्या कर रहा था बच्चा लोग? हेलो, मोरालिटी देखे थे ना, स्मॉल एम। हेलो, कहाँ हो सब? मोरालिटी डिस्कस कर रहे थे हम लोग। यस सर। आज के क्लास में और कोई न्यू स्टूडेंट? ये दानिश सेफ हमको न्यू क्यों लग रहा है आज? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चा, कैसे हो तुम? सर अच्छे सर। गुड मॉर्निंग। नाश्ता उस्ता हो गया? आओ सर, नाश्ता करके आए। हमको तो पूछे नहीं यार तुमने, गलत बात है। बेटा माइक म्यूट करो यार, माइक म्यूट कर लो। तो मोलालिटी मतलब क्या होता है? मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन केजी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। मतलब फॉर्मूला क्या होगा? सॉल्यूट का लिया जाएगा मोल, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। अब उसके बाद मोल को रिप्रेजेंट करते हैं एन से। मैं सॉल्यूट के लिए पूरा बी टर्म यूज करूंगा, सॉल्वेंट के लिए हमेशा ए। तो मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब एन बी, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट मतलब वेट, सॉल्वेंट का वेट है तो सॉल्वेंट के लिए कौन सा टर्म? ए। ये था फॉर्मूला, डब्ल्यू ए इन के जी। मोल कैसे निकाला जाता है भाई? हाँ बेटा, मोल कैसे फाइंड आउट किया जाता है? न्यू स्टूडेंट ध्यान देना, मोल फाइंड आउट कैसे किया जाता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मोल कैसे फाइंड आउट किया जाता है? गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। माइक म्यूट करके रखो, अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा। कोई सर लेट मी इनके लिए मैसेज करे या कुछ भी, चुपचाप ध्यान से सुनो, माइक म्यूट कर लो, नहीं तो बाकी लोगों को स्क्रीन में देखने में दिक्कत होता है। गिवन वेट, अरे बोल रहा, माइक म्यूट करके रखो। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, इससे फाइंड आउट किया जाता है मोल। तो गिवन वेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डब्ल्यू से, लेकिन किसका गिवन वेट? मोल सॉल्यूट का है, तो गिवन वेट भी सॉल्यूट का होगा।
और मॉलिकुलर मास मतलब एम, और सॉलिड के लिए है तो मॉलिकुलर, तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा, क्या हो जाता था फॉर्मूला बोलो जल्दी। एन डी का वैल्यू यहाँ पुट करो तो क्या मिलेगा, अगर ये इक्वेशन वन है तो बाय इक्वेशन वन, तो नया फॉर्मूला क्या होगा, डब्ल्यू बी गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर मास डब्ल्यू ए, ये किसमें इन केजी। अगर सॉल्वेंट का अमाउंट डब्ल्यू ए सॉल्वेंट के लिए है तो ग्राम में दिया होगा तब डब्ल्यू ए इन केजी, अगर डब्ल्यू ए ग्राम में दिया है तो ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं भाई, इन केजी चाहिए क्या सर, डब्ल्यू ए इन केजी, आपने वहां पे केजी लिखी ग्राम, कहां पे इन केजी लिखा तो भाई इन केजी, राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड तो ठीक है, इन केजी तो लिखा हूँ सही है, डब्ल्यू कितना से डिवाइड करोगे, थाउजेंड से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, किससे डिवाइड करोगे, थाउजेंड से, तो एक और फॉर्मूला आएगा, बाय इक्वेशन वन, इक्वेशन वन से क्या फॉर्मूला आएगा भाई बोलो, एन बी का एन बी रहेगा, ये डब्ल्यू ए के जी की जगह पे किसमें है, ग्राम में, तो डब्ल्यू ए डिवाइडेड बाई थाउजेंड, तो क्या आएगा एन बी इंटू मैथमेटिकल अप्रोच से थाउजेंड का टर्म ऊपर, बेटा बोलने के बाद माइक म्यूट कर लिया करो, एन के जी, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब यही बाय इक्वेशन टू, इक्वेशन टू में डब्ल्यू ए इन केजी को ग्राम में रखो तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए इन डिवाइडेड बाय थाउजेंड, तो पूरा सॉल्व करो तो क्या आएगा, डब्ल्यू बी थाउजेंड का टर्म ऊपर एम बी डब्ल्यू ए, डब्ल्यू ए किसमें है, इन ग्राम, तो ये कल के क्लास में ये चार इक्वेशन बताया गया था, यही चार इक्वेशन आज देख लिए हुए, तो जिनको कल के क्लास सेकंड इक्वेशन समझा के दीजिए ना, अध्याय कौन है भैया सेकंड इक्वेशन वाला, बोलो नाम बताओ बच्चा, ये वंस मोर हमेशा लगे रहता है, बेटा मुझे ये बताओ मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, तो बेटा ये क्या लिखा हुआ है, मोल एन बी गिवन वेट अपॉन मॉलिकुलर मास, तो बेटा मैं एन बी का वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करूंगा तो यही ना मिलेगा, ये कुछ अलग मिलेगा, इतना बड़ा मैथमेटिकल अप्रोच है यार, कि रोज एक ही चीज को बार बार सर सेकंड बता दो, थर्ड बता दो, फोर्थ, थोड़ा सा दिमाग यूज करो, रखे रखे जंक खा जाएगा तो फिर बिकेगा भी नहीं मार्केट में, बेटा कुछ है ही नहीं है, तो फॉर्मूला अगर बोला जाए तो आपको बस याद क्या करना, फर्स्ट याद करना, बाकी तो मैथ है भाई, अब मुझे मालूम है यहाँ पे एन बी का वैल्यू एक्स बाई वाई है, तो भैया मैं यहाँ पे एन बी की जगह पे एक्स बाई वाई कर सकता हूँ ना, तो इसमें कौन सी बड़ा चीज है, चलो एक्स बाय वाई नहीं है यहाँ पे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी है, तो इसको उठा के पुट करूंगा तो यही आएगा ना, कि कुछ अलग आएगा, लिखा भी है भाई इक्वेशन वन, ये वैल्यू को पुट कर दो, तो कुछ नहीं है, बस आपको याद कौन सा रखना है, फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला क्या है भाई, डेफिनेशन याद रहेगा तब, क्या है डेफिनेशन मोलालिटी का, द मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉरी व्हेन द मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन केजी अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, नेक्स्ट वैल्यू भी ध्यान में रखो, द मोल ऑफ When the mole of solute dissolve in kg amount of solvent is called molality. ये चीजें तुमको याद रखना है,
डेफिनेशन से बना मोल ऑफ सॉल्यूट को किसमें डिजॉल्व किया, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन किस कौन से अमाउंट में, केजी, तो ये बना। और दिक्कत आता है यहाँ पे एनबी, तो एनबी कैसे कैलकुलेट किया जाता है भैया, बहुत पहले बता चुका हूँ, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अगर वेट गिवन है तो, और ये किस में होना चाहिए, इन ग्राम में, क्योंकि इसका यूनिट क्या होता है, ग्राम पर मोल, तो ग्राम ग्राम कैंसिल होगा तो आंसर मोल में आएगा और हमको मोल ही निकालना है, तो इन ग्राम और मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल। तो भैया गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या है, गिवन वेट डब्ल्यू बी मॉलिक्यूलर मास एम बी, इस वैल्यू को एन बी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, तो भैया एन बी यहाँ भी दिख रहा है, इसको उठा के यहाँ पुट कर दो तो सिंपल सा इक्वेशन सेकेंड आ जाएगा। अब हमको मालूम है केजी है, केजी का मतलब क्या होता है, ग्राम को 1000 से डिवाइड किया जाता है, कोई चीज को अगर केजी में है तो उसका मतलब क्या होगा, ग्राम को 1000 से डिवाइड करो तो एक ही मतलब है ना भाई, 2 केजी मतलब 2000 ग्राम, 2000 ग्राम मतलब इसको डिवाइडेड बाय क्या कर दोगे, 1000, तो 2 केजी ना आएगा यहाँ पे, तो 1 केजी इक्वल टू क्या करते हो भाई, तो क्लियर है सभी को, तो केजी इक्वल टू क्या होगा, ग्राम को डिवाइडेड बाय करोगे 1000, तो ये वैल्यू को फिर से यहाँ पे मैंने उठा के इक्वेशन वन में रखा, ये फॉर्मूला मिला, इस वैल्यू को उठा के मैंने इक्वेशन टू में रखा तो ये फॉर्मूला मिला, इस तरह से टोटल 4 फॉर्मूले थे इन्हीं फॉर्मूले से क्वेश्चन। तो नए स्टूडेंट लोग को मोल निकालने के लिए ये याद रखना फॉर्मूला, आज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो तुम भी, न्यू स्टूडेंट जो है क्लास में, मोल निकालने के लिए गिवन मोल डायरेक्टली गिवन तो ये फॉर्मूला यूज होगा, अगर मोल कैलकुलेट करना है, वेट दिया है तब ये फॉर्मूला यूज करना है। तो क्वेश्चन नोट करो सबको, फाइंड आउट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड आउट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, फाइंड आउट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब बेटा जो लेट ज्वाइन किए हो, श्रेया और 2-3 लोग और थे जिनका नाम ध्यान से नहीं चढ़ा, बेटा क्लास का टाइमिंग क्या है मुझे ये बताना, तो 8:40 सर। सर नेटवर्क बरोबर नहीं था। अच्छा नेटवर्क बरोबर नहीं था। यस सर। बेटा ध्यान रखा करो क्लास का, इतना भी सबका नेटवर्क ठीक चल रहा है, तुम्हारा नेटवर्क खराब चल रहा है, कौन सा सिम है तुम्हारा? सफी जियो। जियो क्या अनिल अंबानी से दुश्मनी बांध के रखे कि ठीक से चल रहा है? सर सॉरी मुकेश अंबानी। बेटा क्लास का टाइम ले लिया। हाँ बोलो। उसने दुश्मनी रखा होगा सर हमसे। अच्छा क्लास पे ध्यान रखा करो, टाइम पे क्लास में आया करो, नहीं तो एक आध दिन क्लास से बाहर निकाल देंगे तब अपने आप टाइम पे और नेटवर्क सब ठीक होना स्टार्ट। हाँ तो क्वेश्चन है, कल के टॉपिक पे क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी रिविजन चल रहा था। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट द मोलालिटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन है फर्स्ट 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन इन 1 केजी वाटर, 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन 1 केजी वाटर। जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं तो उनको मोल पता नहीं है, गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर मास करना है फॉर्मूले में, तो गिवन वेट 60 है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज नोट कर लेना, एंड ग्लूकोज मतलब मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम पर मोल, सबसे सरल होना चाहिए न्यू हो या ओल्ड स्टूडेंट हो, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन नोट करो और माइक म्यूट करके रखो बच्चा, नहीं तो बाकी लोगों को भी तकलीफ होता है। सेकंड क्वेश्चन, माइक म्यूट कर लो, किसका माइक ऑन है नहीं तो क्लास में लेट मी। अरे यार कितना आप फोन आने से बच रहे हैं। सेकंड
सेकंड क्वेश्चन. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. इतना जल्दी आने का कष्ट क्यों किया बेटा? सर फोन में चार्जिंग नहीं थी इसलिए. वाह तुम्हारा फोन बहाना तो मस्त बढ़िया बना. डिजिटल बहाना लेके आई है तो फोन में चार्जिंग नहीं है और एक हमारा बबुआ नेटवर्क नहीं है. हाँ तो भैया सेकंड क्वेश्चन नोट करने का कष्ट करें. 10 ग्राम लाइम स्टोन. लाइम स्टोन का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3. वेरी गुड. CaCO3 डिसॉल्व इन 400 ग्राम ऑफ वाटर. थर्ड क्वेश्चन नोट करो. न्यू स्टूडेंट के लिए मॉलिकुलर मास ऑफ CaCO3 इक्वल टू 100 ग्राम. थर्ड क्वेश्चन नोट करना. सल्फ्यूरिक एसिड डिसॉल्व इन 980 ग्राम वाटर. 980 ग्राम वाटर. फोर्थ 2 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिसॉल्व इन 4 kg वाटर. डिसॉल्व इन 4 kg वाटर. नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 इक्वल टू 98 ग्राम पर मोल. करो सबको ये क्वेश्चन सॉल्व. सभी से होना चाहिए भाई. जैसा मैथ्स में सिंपल फॉर्मूले होते हैं बस वैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री मतलब फिजिकल मैथ्स है भाई. केमिस्ट्री का फॉर्मूला दिया हुआ है अपने दिमाग का तनिक यूज कीजिए और देखिए कौन सा फॉर्मूला कब सुटेबल है. हो गया भैया क्वेश्चन सॉल्व. और ऐसा नहीं कि आज जब फर्स्ट डे तो आज बनेगा ही नहीं, कब बन जाएगा. बस दिमाग होना चाहिए थोड़ा सा यूज करने लायक, वो भी थोड़ा सा ज्यादा नहीं. और सब तो हमसे बहुत ज्यादा होशियार है ही क्लास में. तुम लोग अभी इस समय मोलालिटी ये सब पढ़ रहे, हमको तो पता ही नहीं था जब तक हम 12th में नहीं गए थे तब तक कुछ समझ ही नहीं आता था. तो हमसे तो होशियार हो ही. तो ऋतिक बबुआ कहाँ हो? ऋतिक रोशन हमारे. जी सर. बेटा सॉल्व होगा कि नहीं होगा? सर कोशिश कर रहा हूँ. करो करो सॉल्व. आंसर कोई भी डायरेक्टली हमको पब्लिकली मतलब चैट में नहीं भेजेगा. जिनको भेजना है तो पर्सनल चैट में टेक करके हमको भेजे, ठीक है ना? क्योंकि सबको बनाने दो, नहीं तो तुम्हारे कारण वो आंसर उसी पे देखेगा कि सही है कि गलत है.
फर्स्ट का फोर्थ का 0.5 हाफ ठीक है, फोर्थ का आईसी सही है। अब इसे कौन रुको पहले देख लेते किसका, अब इसे फेज 0.360 का, हाँ फेज करेक्ट है फर्स्ट कैंसर। आईयूसी फर्स्ट का आंसर चेक करो बेटा, सेकंड का तुम्हारा आंसर बहुत रॉन्ग है आईयूसी, कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक कर रहे हो। अभी से एक बेटा चेक करो, फर्स्ट आंसर इनकरेक्ट है। जिसान कुरेशी सही है बेटा फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर कितना होगा 0.1/4 to 5 सही है सेकंड का आंसर भी तुम्हारा, थर्ड का भी आंसर सही है बेटा जिसान, फिर जिसान हो गया, साहिल करेक्ट है बेटा साहिल, कौशिक सेकंड सही है, जिसान फोर्थ सही है बेटा, वेरी गुड। अब इसे करेक्ट है बेटा फर्स्ट का आंसर, नहीं फर्स्ट टाइम करेक्ट है बेटा आंसर। अभी से साहिल सेकंड सर, मैंने वो वैल्यूज गलत लिख लिया था सॉरी सर, अभी भेज रहा। हाँ ठीक है साहिल साहू जी हमारे, वन सेकंड का आंसर बेटा इनकरेक्ट है, देखो बढ़िया से सॉल्व करके। साहिल साहू तुम प्रॉपर नागपुर के हो? जी सर। तुम प्रॉपर नागपुर के हो? क्योंकि साहू सर ने नागपुर वाले कम यूज करते हैं ना इसलिए। हाँ सर वो हम यूपी, हमारा गांव यूपी। वही बिल्कुल वही बोल रहा, एमपी यूपी या छत्तीसगढ़ में है कुछ, इसीलिए बोल रहे। कौशिक बेटा फर्स्ट का आंसर हमको लग रहा है मिस्टेक, हम कौन सा आंसर दिया, थर्ड का आंसर दिया, थर्ड का भी आंसर कहाँ है 9.1 देखते हैं भाई, 0.9 आएगा 0.1 ठीक है सही है कौशिक थर्ड का आंसर, तो फोर्थ का आंसर भी सही है सर, मैंने भी भेजा वन सिक्का। हाँ देख रहे हैं अभिषेक, फर्स्ट का आंसर बेटा फिर तो वैसे ही है, बहुत ज्यादा इनकरेक्ट है देखो तो, फर्स्ट का आंसर अब सही है अभिषेक तुम्हारा। अच्छा अभिषेक एक वंधारे है ना, अरे अभिषेक कड़ू तो सर मेरा सही है ना, इंदौरा वाला अभिषेक का सही है, एक मानकापुर अभिषेक है उनका गलत है। बेटा सही है आंसर, मृगांग मिश्रा जी हमारे बहुत दिन के बाद नजर आ रहे हैं, कहाँ चल गए थे मिश्रा जी, कौन सा आंसर बेटा मिश्रा जी बताओगे? तो फर्स्ट का है, फर्स्ट का लिखो 0.16 लिख दिया, चलो देखो हम सॉल्व करते हैं, बोर्ड पे लिख देते हैं हम आंसर, माइक म्यूट कर लो। सिक्सटी का हो जाएगा, 60/180 मतलब 1/3 मतलब 0.33 10/100 मतलब 0.1 divided by 0.4 तो कितना आएगा 0.1 divided by 0.4 मतलब 1/4 to 0.5 मतलब 0.25 है। उसके बाद 9.8 divided by 9.8 0.98 मतलब 0.1 और जेली कैसे 2/4 मतलब हाफ, हाफ का मतलब जाएगा 0.5 चेक करो अपना आंसर। अब चलो देखो बेटा समीक्षा न्यू स्टूडेंट को बोल रहे हैं, बेटा समीक्षा माइक ऑन करो। हाँ सर। पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ? सर ट्राई कर रही हूँ, उसे ट्राई कर रही हूँ। ट्राई नहीं करा, चलो बताओ इधर हो गया ट्राई। मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है जल्दी बताओ सर, वो फोर्थ का आंसर क्या है?
0.5. समीक्षा बेटा बताओ आंसर, फॉर्मूला क्या है मोलालिटी का? पहला ही फॉर्मूला बता दो, क्या है पहला? मोलालिटी नहीं है, मोलालिटी है। मोलालिटी का फॉर्मूला देख के बताओ, फर्स्ट वाला कहाँ है बोर्ड पे? मोल ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इन केजी, तो यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, सॉल्यूट कौन है? बोलो, सॉल्वेंट और सॉल्यूट कौन है यहाँ पे क्वेश्चन में? ग्लूकोज सॉल्यूट है। जो कम होता है वो सॉल्यूट होता है, जो ज्यादा होता है जिसमें डिजॉल्व किया जाता है वो होता है सॉल्वेंट। हाँ, तो वही मतलब ग्लूकोज सॉल्यूट है। सही है, मुझे ये बताओ मोल गिवन है ग्लूकोज का? क्या बोले सर? मोल ग्लूकोज का मोल डायरेक्टली गिवन है। रुक जाओ बेटा, अभी ग्लूकोज का मोल डायरेक्टली गिवन है। हाँ। नहीं गिवन है, वेट गिवन है। तो मोल कैसे निकाला जाता है? मोल कैसे निकाला जाता है भाई? गिवन वेट ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, ये लिखा हुआ ना, गिवन वेट इन ग्राम मॉलिक्यूलर मास, डब्ल्यू ए इन केजी। अब वैल्यू पुट करो, सॉल्व जाएगा। गिवन वेट 60, मॉलिक्यूलर मास 180, डिवाइडेड बाय 1 केजी, तो सॉल्व करो कितना आएगा, 60 बाय 180। 1/3 और 1/3 मतलब 0.33। हाँ बेटा, कौन क्या बोला था, यूनिट क्या होगा? ये मोल में होता है और नीचे केजी, तो मोल पर केजी, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है मोलल, और रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एम से, तो ये हुआ यूनिट। हाँ बेटा, कोई कुछ बोल रहा था लड़कों में, बताओ बच्चा। सर वो स्क्रीन थोड़ा ब्लर हो रही, तो थोड़ा जूम करो कैमरे। बेटा हमारे तरफ से नहीं हो रहा, हमारे तरफ से होता तो सब दो चार स्टूडेंट और बोलते। स्क्रीन सही है? हाँ, क्योंकि हमारे तरफ से होता तो दो चार लोग और बोलते, और ऐसा नहीं कि हमारे तरफ से स्क्रीन ब्लर नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी ठीक है, थोड़ा वेट करो, नेटवर्क ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। सेकेंड, लाइम स्टोन। चलो बेटा समीक्षा बताओ, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, वही वाला। चलो वेरी गुड, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, लेकिन यहाँ पे तो वेट केजी में नहीं है, इन ग्राम है, सब सॉल्यूट सॉल्वेंट तो ग्राम में है ना, तो वही कैसे कन्वर्ट? ग्राम है, कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में, तो कैसे कन्वर्ट होता है भाई? डिवाइडेड बाय 1000। तो हमको ना सेकेंड ये रखना है, ना थर्ड रखना फॉर्मूला, ना फोर्थ, हमको सिर्फ फॉर्मूला कौन सा रखना है, फर्स्ट। फर्स्ट फॉर्मूले के हेल्प से ही तीनों फॉर्मूले बने हुए हैं। तो गिवन वेट कितना है, 10 मॉलिक्यूलर मास, न्यू स्टूडेंट के लिए हमने नोट करके रखा है 100, गिवन वेट 400, और सॉल्वेंट का गिवन वेट कितना है 400, और डिवाइड बाई 1000, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा भाई, 0.1, और डिवाइड बाई 0.4, तो सॉल्व करने पे कितना आएगा, 1/4 मतलब 0.25। क्लियर है? 0.25 मोल पर केजी बोलो, मोलल बोलो, या स्मॉल एम, सबका मतलब एक का ही है। क्लियर है? थर्ड वाले में सर, मेरा थर्ड का 9.8 मोल पर केजी है। देख लेते हैं, एक मिनट। अरे यार, थर्ड का आंसर तो हमारा भी रॉन्ग हो रहा है। वेरी गुड, थर्ड का आंसर चेंज होगा, 0.1 डिवाइडेड बाय 9.8 होगा, ठीक है ना, सॉरी 0.098। आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो थर्ड का आंसर इनकरेक्ट है, हमने बस मोल निकाल लिया था। गिवन वेट 9.8, सीधा फॉर्मूला वैल्यू रख दो कि फॉर्मूला लिखो?
रख देते हैं भाई, कई लोगों को तकलीफ ना हो जाए। WBMB डिवाइडेड बाय ग्राम में तो WA डिवाइडेड बाय 1000, तो कितना होगा भाई WB का वैल्यू? 9.8 क्वेश्चन में दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास है 98 डिवाइडेड बाय ये कितना है 980, तो डिवाइडेड बाय 1000, तो यहाँ से आएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 0.98, तो 0.1 के आसपास को आएगा, नहीं 1 से थोड़ा सा कम, कितना आ रहा है भाई बताओ? 0.98 के आसपास ही आ जाएगा, ये भी आएगा कि नहीं आएगा भाई? अगर ये 0.1 होता तो ऑलमोस्ट किसके इक्वल आता? 1 के इक्वल आता, तो 1989 ऐसा कुछ देख लेना, तुम्हारे कैलकुलेशन का 98 भी हो सकता है, 0.989 ऐसा भी हो सकता है, या 99 ले सकते हो। 9.8 आया पक्का? हाँ सर, 0.98 आएगा। ठीक है, लास्ट वाले में ये तो सबसे सिंपल था, कौन सॉल्व नहीं किया सीधा क्वेश्चन में फॉर्मूला, जो फर्स्ट फॉर्मूला वही मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, तो 2 डिवाइडेड बाय 4, हाफ आपका आधा, आधा मतलब 0.5, तो क्लियर है सर? थर्ड का 0.1012 आएगा ना? 0. कितना है? 0.102। अरे हाँ यार, 98 है ना, 10 आएगा सर, 1020 ऐसा, एक से ज्यादा आएगा ना भाई, ये निकला 0.102 सर, 0. आ रहा 0.102। हाँ भाई वही 0.102। ठीक है, 98 नहीं आएगा, 98 तब आता जब 102 डिवाइड करते, तो मतलब ऑलमोस्ट 1 के इक्वल ही आएगा, 0.1 के इक्वल, ऑलमोस्ट 0.1 ही आता। ठीक है ना, तो क्लियर है सभी को? बना लोगे क्वेश्चन कि नहीं? बोलो, न्यू स्टूडेंट को फॉर्मूला क्लियर है सर? और 2-3 का, ठीक है ना? अरे 2-3 क्या, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे अभी, अब मैं ये फॉर्मूला पूरा हटाने वाला हूँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, अब माइक म्यूट करके रखो एकदम, और जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई तो दे रहा होगा, तो सुनो ध्यान से क्वेश्चन नोट करते समय। फोर्थ क्वेश्चन हो गया था, फिफ्थ नंबर डाल लो, इसी में कंटिन्यू करता है। सर 2 मिनट, 4 नंबर क्वेश्चन दिखाइए तो। 4 नंबर क्वेश्चन, 2 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिजॉल्व इन 4 मोल, सॉरी 4 kg वाटर, 2 मोल ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिजॉल्व इन 4 kg वाटर, 2 डिवाइडेड बाय 4, दिखा कुछ? फिफ्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ वाला तो सबसे एकदम हलवा टाइप का क्वेश्चन था काबुल, तो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देखो, देखो क्या है, लिखो 1.6 ग्राम मीथेन, 1.6 ग्राम मीथेन डिजॉल्व इन 500 kg ऑफ बेंजीन, 500 kg ऑफ बेंजीन, मीथेन डिजॉल्व इन 500 kg ऑफ बेंजीन, 0.46 ग्राम इथेनॉल,
100 ग्राम ऑफ वाटर. टू मोल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4. टू मोल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड डिजॉल्व्ड इन टू केजी ऑफ वाटर. पॉइंट 3 ग्राम ऑफ यूरिया डिजॉल्व इन 1 kg वाटर. मॉलिक्यूलर मास CH4 कितना होता है भाई? एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया CH4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 16. लेट मी इनका मैसेज है सर. देख लेते हैं. 16 ग्राम सर. 0.46 ग्राम है क्या? 0.46. हाँ 0.46 ग्राम. इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास सर, वो 5 नंबर क्वेश्चन के लास्ट में क्या है? बेंजीन BENZENE. इथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास सर 46. और यूरिया का? सिक्सटी ग्राम पर मोल. बेटा समीक्षा, नेटवर्क खराब है क्या तुम्हारे यहाँ का? नहीं सर, सब क्लियर है. हाँ ठीक है, नोट कर लो. 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन. ये यामिनी पांडे का के स्टूडेंट दिख रहे यामिनी सर? हाँ वो नेटवर्क प्रॉब्लम है. ठीक है चलो. बेटा अभिषेक मानकापुर कुछ बोल रहे थे तुम? नहीं बोलना तो माइक ऑफ कर लो बेटा, नहीं तो बाकी का स्क्रीन ब्लर हो जाएगा या ब्लैक हो जाएगा. गार्गी जी कौन सा थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है? टू मोल ऑफ H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड. गार्गी ने कौन सा फिफ्थ का आंसर दिया था? 0.1 डिवाइडेड बाय 5. माइक म्यूट कर लो बच्चा. गार्गी बेटा आंसर चेक कर लो, तो थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है हमको. 7th का आंसर 0.1 और 0.2 डिवाइडेड. बेटा गार्गी थोड़ा बढ़िया से सॉल्व करो जल्दबाजी में, नहीं डेसिमल का लोकेशन चेंज हो रहा है तुम्हारे में.
बेटा फेस चेक करो, आंसर साथ इनकरेक्ट हो रहा है। बेटा साहिल तुम्हारा आंसर करेक्ट, थोड़ा सा डेसिमल का लोकेशन में चेंज हो रहा है, डेसिमल का लोकेशन ठीक करो। जीविदा डेसिमल का लोकेशन इनकरेक्ट है। सबका कैसा है, 0.00 कैसे आएगा भाई, इतना लंबा थोड़ी आएगा। 0.1 डिवाइडेड बाय 0.5 करोगे तो 3 बार 0 आ जाएगा। सर वो 500 केजी है। सर हाँ सर 500 केजी सर, इसीलिए 0.002 आ रहा है। ठीक है सही है, सही है। हमको लगा हमने खुद ध्यान नहीं दिया 500 ग्राम लिखा करके, चलो सही है फिर। सर मेरा सही है क्या सर? सर सेकंड वाला, सिक्स्थ वाला। हाँ बिल्कुल सही है, आप फिफ्थ वाला सही है, सिक्स्थ वाला, सेकंड वाला भी तो देखे। सर फर्स्ट वाला सही है। हाँ फर्स्ट वाला सही है। फाइव हंड्रेड के जी इसलिए फर्स्ट वाला सही है। 0.0002 और किसका क्या है भाई, कितना जल्दी जल्दी सब लोग लिखते रहे भाई। फर्स्ट वाला आंसर चेक कर लो वहां से भाई, अभी से एक बहुत लोग का सही है फर्स्ट, जिसान का भी, आर्यन बेटा डेसिमल लोकेशन चेक करो। मैंने सेकंड का सीन किया, रुको ना हम देख रहे हैं ना भाई, अभी थोड़ा सा 0.46 है तो 0.01/2 200 ग्राम ही है ना, 0.2। सेकंड का आंसर पहुंच गया सेकंड में। सेवंथ का आंसर किसका, सिक्स का आंसर कहाँ गया, 0.5। बेटा सिक्स का आंसर आपका, कई लोगों का डेसिमल का लोकेशन में मिस्टेक हो रहा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में चेक करो भाई कहाँ पे माइनर मिस्टेक कर रहे हो। कई लोग 0.05 होना चाहिए मेरे ख्याल से, ये से वही आया है सर, वही आया है। ठीक है, एट वाले में कितना है, 2/2। एट वाला तो सबसे सिंपल था, देख लेते, 2 kg लिखा है, 2 mole लिखा है, मतलब 1। आंसर हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। एट वाला सबसे सिंपल था क्या, नहीं सेवन वाला। अच्छा सेवन वाला सबसे सिंपल है कि नहीं, एट yes, वाला कितना आ रहा है आंसर बताओ, 0.3/60, 0.05। सर 0.00005 है, 4% 0 और 2 बार 0 है, 4 बार 0 मैंने सर 0.05 है सर, 0.05 है सर, 0.005 सर, 0.05 है सर, ये आंसर है। कैलकुलेशन में बस मिस्टेक हो रहा है थोड़ा थोड़ा सा, अधिकतर लोगों का। तो क्वेश्चन फर्स्ट मोलालिटी मतलब फिफ्थ नंबर, कितना वेट गिवन है, 1.6। वेट से मोल कैसे निकाला जाता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 500 केजी। हमको लगा ग्राम में दे दिए थे इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमसे भी, 0.1 डिवाइडेड बाय 500 तो सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 0.002। यस सर, मोल पर केजी या फिर मोलल, अब यहाँ पे गिवन वेट 4.046, मॉलिक्यूलर मास 46 ग्राम
200 केजी में है, करना है तो 1000, तो सॉल्व करने पे पॉइंट यहाँ पे आएगा 01, यहाँ पे कितना आने वाला नीचे में, मतलब पूरा सॉल्व करने पे कितना आएगा 0.05, सीधा लिख देते हैं आंसर, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, हमको करना क्या था, थर्ड वाला, सेवंथ वाला क्वेश्चन, यूनिट लिखते हैं तो यूनिट देख लो भैया, गिवन वेट मतलब मोल दिया है तो अच्छी बात है, और डिवाइडेड बाई केजी, तो 2। ये था एकदम हलवा टाइप वाला क्वेश्चन। लास्ट वाले में 0.3 गिवन वेट मॉलिकल मास 60 और 1 केजी, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के, मतलब केजी को केजी में क्या कन्वर्ट करोगे, तो 3 डिवाइडेड बाई 60, या फिर डेसिमल हटाओगे तो यहाँ जाएगा 10, और हटा दिए तो ऐसा लिख सकते हो भाई, तो ये हो जाएगा हाफ, हाफ मतलब 0.2, डेसिमल लगा दो तो कितना आएगा 0.5, और डेसिमल लगाओगे तो 0.005, तो डायरेक्टली लिख देता हूँ 0.005। तो कैलकुलेशन क्लियर है सर, वो 6 का मेरा 0.5 आया, आपका 0.05 है। 0. बेटा चेक तो कर लो एक बार सर, किया ना सर, मेरा भी 0.5 आ रहा है सर, मेरा 0.0 आ रहा है सर, 2 डिजिट के पहले है ना वो, तो 0.0 आएगा ना, 0.05 बेटा चेक कर लो यार थोड़ा सा, यकीन नहीं तो कैलकुलेटर होगा मोबाइल में, चेक कर लो। हाँ जल्दबाजी में इधर लिखते हैं आंसर, तो मैं बता सकता हूँ यहाँ से कैलकुलेट कर, क्लियर है सभी को, तो ये था मोलालिटी, स्मॉल है। नेक्स्ट हेडिंग नोट करो, न्यू टॉपिक है एप्लीकेशन में, थर्ड एप्लीकेशन में फर्स्ट पॉइंट था मोलालिटी, थर्ड एप्लीकेशन में फर्स्ट पॉइंट था मोलालिटी, सॉल्व कर लिया ना सब, हटा रहा हूँ सबको, ठीक है ना, इस साइड से कर लेते हैं। हाँ क्वेश्चन बस सॉल्यूशन तो है बोर्ड में, बेटा माइक म्यूट कर लो, नेक्स्ट साइड हेडिंग है कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन मेथड ऑफ कंसंट्रेशन या कैलकुलेशन ऑफ कंसंट्रेशन में, पहला था मोलालिटी स्मॉल एम, नेक्स्ट है मोलालिटी कैपिटल एम, तो कई बार हम मोलालिटी बोलते हैं और मोलालिटी बोलते हैं, तो दोनों में स्टूडेंट को एक ही जैसा लगता है, तो ये साथ में यूज करेंगे मोलालिटी तो स्मॉल एम, मोलालिटी बोले तो कैपिटल एम, ठीक है ना, तो साथ में स्मॉल एम बोले तो मोलालिटी समझना, कैपिटल एम मतलब मोलालिटी। हाँ जी विदा बोलो, क्या हुआ सर, गलती से हो गया। अच्छा ठीक है, हेडिंग नोट करो मोलालिटी, खूब मोलालिटी जैसा ही है, तो फॉर्मूला आप हमको खुद बताओगे, लेकिन पहले डेफिनेशन नोट करो, एक दो लोग से पूछेंगे खास करके समीक्षा से, न्यू स्टूडेंट है ना, तो हम न्यू स्टूडेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, समझाते कम है, तो डेफिनेशन बोलू, बोले हम डेफिनेशन, यस सर,
ठीक है चलो नोट करो डेफिनेशन में ए मोल ऑफ सॉल्यूट ए मोल ऑफ सॉल्यूट ए मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन एक मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 20 लीटर वॉल्यूम 20 सिंबल लीटर देखो बोर्ड पे कैसे लिख रहा हूं दिख रहा बोर्ड पर इस तरह से नोट करना 20 लीटर वॉल्यूम एक मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 20 लीटर वॉल्यूम माइक म्यूट कर लो एक मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 20 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट नहीं यहाँ पे सॉल्यूशन वॉल्यूम का जब एक मोल ऑफ सॉल्यूट मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन इस मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन वी लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वी लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी हेडिंग जो है वो इज कॉल्ड मोलैरिटी इज कॉल्ड मोलैरिटी इज कॉल्ड मोलैरिटी एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम तो कैपिटल मत लिख लेना कैपिटल एम का सिंबल बना लेना रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम तो समीक्षा बताओ कैपिटल एम का फॉर्मूला क्या होगा सर एक और रिपीट कीजिए तो यस सर एक रुक जाओ एक बार रिपीट करने दो वंस मोर है कोई मुन्ना भाई देख के आया पहले उनको बता दें एक मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 20 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी And it is represented by capital M. हाँ समीक्षा बताओ क्या होगा फॉर्मूला फर्स्ट वाला अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेरी गुड मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वेरी गुड बहुत बढ़िया वहां पे अमाउंट था केजी था यहाँ पे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बहुत बढ़िया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हाँ लेकिन किसमें ये भी लिखना जरूरी है इन लीटर बहुत बढ़िया देखो फर्स्ट डेम इतना अच्छा कर रहे हैं तो ये फर्स्ट डेफिनेशन है जो आपको रखना है मतलब रखना क्या डेफिनेशन यहाँ रखना है तो ये अपने आप बन जाएगा इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेता हूँ मोल मतलब बेटा माइक अब म्यूट करो सब कोई मोल मतलब एन सॉल्यूट के लिए हमेशा बी टर्म सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के लिए हमेशा मैं ए टर्म यूज करूंगा तो वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बी से ए का है तो या सॉल्यूशन है तो एस कर लेते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा बी एस एन लीटर ठीक है ना तो ये फर्स्ट है इक्वेशन ये हो गया हमारा मेन इक्वेशन इसी से आने वाले दो चार इक्वेशन और बनेंगे तो बहुत वर्षों पहले हमने बताया था मोल ठीक है ना आज से करीब 1000 साल पहले क्या होता है मोल इक्वल टू इसलिए कई लोगों को याद नहीं होगा इसलिए बोल रहे हैं
ओके ये बोल क्या रहा था भाई गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ठीक है ना तो बाय इक्वेशन वन तो मोलारिटी इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बी एस लक्ष्मण मतलब बी एस है बस लक्ष्मण नहीं यहाँ पे इन लीटर थोड़ा सा बढ़िया से नोट कर लेते हैं भाई अच्छा नहीं लग रहा है डब्ल्यू बी एम बी इंटू बी एस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर जब तुम लोग बहुत ज्यादा छोटे थे तब तुमको बचपन में एक चीज और बताया गया था वॉल्यूम अगर लीटर में है तो कितने ml से डिवाइड करो ml को किससे डिवाइड करोगे कि वो लीटर में चल जाएगा थाउजेंड से जैसे वहां केजी करते थे यहाँ पे ये इक्वेशन टू तो बाय इक्वेशन वन बस वही भैया रिश्ता वही सोच नया ठीक है ना और इक्वेशन टू इक्वेशन वन से क्या फॉर्मूला बनेगा बताओ डब्ल्यू बी मतलब एन बी है सॉरी एन बी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एम एल हो गया एम एल हुआ तो डिवाइडेड बाय थाउजेंड तो थाउजेंड का टर्म क्या आ जाएगा ऊपर नहीं कई लोगों को बचेगा नहीं भैया पहले ऐसे कर लेते डिवाइडेड बाई थाउजेंड नहीं तो चमत्कार लगता है कई लोगों को सर ये अचानक हो क्या गया इंटू थाउजेंड इतने ही में कई लोगों को चमत्कार लगने लग गया होगा सर ये क्या हो गया अचानक एक ये बन गया बाई क्वेश्चन सेकेंड स्क्रीन ब्लर हो रहा है यस सर यस चेक कर ले हाँ बेटा ब्लर हो नहीं ब्लर तो नहीं होना चाहिए सर जूम करो ना थोड़ा सा क्लियर है सर क्लियर है बेटा आपके तरफ से नेटवर्क का दिक्कत होगा बाय क्वेश्चन सेकंड ठीक हो जाएगा आते जाते रहते हैं स्क्रीन पांच दस सेकंड वेट कर लिया करो इक्वेशन सेकंड में वैल्यू पुट करो वॉल्यूम ऑफ लीटर का तो क्या मिलने वाला है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या करोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन एम एल डिवाइडेड बाई थाउजेंड इन एम एल तो फर्क क्या है बस जहां पे अमाउंट था वहां पे अब वॉल्यूम आ गया जहां पे केजी था वहां पे लीटर जहां पे एमएल था सॉरी ग्राम था वहां पे एमएल का लोकेशन बाकी सब वही है कि नहीं देख लो फॉर्मूला तो केजी रखते हो केजी अमाउंट लोगे तो क्या बोलेंगे उसे मोलालिटी अगर वॉल्यूम ले लेते हो तो उसे क्या बोलते हैं वॉल्यूम के टर्म में क्या बोलते हैं उसे मोलारिटी बस गया तुम लोग इस तरह से ब्रैकेट में रख दो फॉर्मूले को बंद करके नहीं तो फॉर्मूला दिमाग से निकल जाता है लोगों को ठीक है ना तो ये चार फॉर्मूले बन गए तो डेफिनेशन से मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मोल के लिए एनबीए सॉल्यूशन के लिए बी एस लीटर में था लीटर अगर मोल नहीं दिया वेट दिया तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास और वॉल्यूम एमएल में है तो डिवाइडेड बाय थाउजेंड से ये फॉर्मूला बनेगा नोट कर लो सब सर स्क्रीनशॉट ले लिए हाँ स्क्रीनशॉट ले लियो नो सर नोट कर रहे नोट कर हाँ नोट करो स्क्रीनशॉट पहले ले लिया करो ताकि कई लोगों को ब्लर दिखता है तो बढ़िया जब दिखे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो आज फॉर्मूला सीखे कल इससे क्वेश्चन करेंगे ठीक है ना ये सब एक पूरा चैप्टर है सॉल्यूशन पे
ट्वेल्थ में सॉल्यूशन करके एक चैप्टर ही पूरा, यहाँ वहां पे यही सब पढ़ना और भी डिटेल में, ये फॉर्मूला तो रहेंगे उसके साथ और एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ेंगे वहां पे। हो गया सर। सर वो ऊपर क्या है ये यहाँ पे सबसे ऊपर I के नीचे वो m equals to mole of solute upon volume of solute on in liter लिखा है क्या सर? नहीं 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 I A that means मतलब अच्छा इसी को बोल रहे हो ना? हाँ नहीं उसके नीचे है m equals to volume of solute क्या है फिर वो क्या है? Volume of solute अच्छा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो चल रहे हैं भाई। अच्छा डेफिनेशन क्या लिखे हो वही ना? हाँ तो फिर देखो समीक्षा आज उसका नया क्लास है फर्स्ट डे, फिर भी बता दी फॉर्मूला तुम लोग से भी। तो नहीं सर स्क्रीन तुम लोग कबड्डी इसलिए समझ रहा नहीं कुछ तो मैंने स्क्रीनशॉट ले क्या होता है ऐसा बोलते चल जुटता है छाप लिए सर? यस सर। सर यस सर छापने में तो एक्सपर्ट हो तुम लोग है ना? छापना हमने बचपन में सीख लिया था, टेंथ में भी है, फाइनल पे टेंथ के फाइनल एग्जाम में भी तो ऐसा छाप उप के तो नहीं आया था ना कहीं साजू बाजू से? नो सर छापे थे सर। बोलो बोले का है पोल खुलवा रहे हो सर चुपचाप रहिए ना हटाइए वो सर टॉपिक। एनबी क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट वेयर करके नोट कर लेना सबसे नीचे में मोल ऑफ सॉल्यूट ये क्या है वेट ऑफ सॉल्वेंट सॉरी सॉल्यूट इन ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट और ये क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मालूम है फिर भी एक जगह नोट कर लो। बहुत छोटा लिख दिया तो फिर आज की सेवा समाप्त करते हैं। किसी को कुछ पूछना है कोई दुख दर्द तो बतियाना है भाई? दो मिनट लिखने का है। दो मिनट क्यों लिखोगे भाई पूरा लिखो ना पूरा जो समझाया हूँ। तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस है? सॉल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूशन देखो वहां पर केजी की बस डिफरेंस कुछ नहीं है बस यहाँ पे जब भी बुक में देखोगे या जितने भी है जहाँ पे भी वॉल्यूम कम ले जाता है वहाँ सॉल्यूशन ले जाता है और सॉल्यूशन से होता मास थोड़ा सा फर्क पड़ता है लीटर और केजी में बस हल्का सा फर्क पड़ता है कुछ नहीं किसी चीज को लीटर में लो केजी में वॉल्यूम के टर्म पे सिर्फ सॉल्यूशन लिया जाता है। अब कई बार तो क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी बोल देगा क्या बोल देगा मोलैरिटी और क्वेश्चन में दिया होगा केजी तो उस समय आपका केजी अमाउंट ही आपका लीटर अमाउंट है ठीक है ना? तो कोई फर्क नहीं है बस बस जो जैसा बुक में लिखा रहता है उसके हिसाब से चलना पड़ता है जहां पे भी वॉल्यूम का टर्म रहता है वहां सॉल्यूशन लेता है वो और केजी वाला टर्म है वहां पे सॉल्वेंट बोलते हैं। अब वो डेफिनेशन स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनाएगा तो उसके साथ ही चलना पड़ता है हमको। क्या बोल रहा बबुआ और किसी को कुछ दुख दर्द बतियाना है हमसे? नो सर सब बढ़िया है। नेक्स्ट लेक्चर में तो बढ़िया होना भी चाहिए ठीक है ना? घर में रहो खूब खाओ पियो ठीक है ना और तंदुरुस्त रहो और क्लास रोज अटेंड करो भाई और जिनका वीडियो छूट जाता है तो वीडियो अपलोड होती है देख लिया करो
ओके सर, बाय सर। ठीक है फिर, बाय सर। बाय सर, बाय सर, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सर, बाय सर। जल्दी जल्दी बाय सर, सी यू टुमारो सर।